दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि बुमराह की पत्नी संजना गणेशन भी खुशी से झूम उठी थी। बुमराह की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कुछ ऐसा कह दिया, उनकी बातें सुनकर आप भी इन दोनों की जोड़ी पर फिदा हो जाएंगे। तो आखिर बुमराह की पत्नी ने क्या कुछ बुमराह के लिए तारीफों के कसीदे पढ़े? कैसे बुमराह ने पलट दिया मैच का पूरा रख? क्या कुछ बयान में संजना गणेशन ने कहा, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह, अश्विन और कुलदीप में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कहीं ना कहीं ये फैसला भारतीय टीम के पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बहुत जल्दी पवेलियन चले गए। लेकिन भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैच का पूरा रुख पलट दिया। जायसवाल ने कई चौके छक्के लगाए तो उन्होंने अपना तूफानी शतक ठोका। उसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दोहरा शतक ठोककर भारतीय टीम को 112 ओवर में 396 रनों तक पहुंचा दिया और इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा ट्रायल स्कोर रख दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में जमकर धोया, लेकिन बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। बुमराह ने इस मैच में एक नहीं, दो नहीं बल्कि कुल 5 विकेट लेकर इंग्लैंड टीम की कमर ही तोड़ दी थी। बुमराह ने सबसे पहले जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर ऑलीपॉप को खतरनाक क्लीन बोल्ड कर चलता किया। इसके बाद भी ये रुके नहीं, जॉनी बेयरस्टो से लेकर कप्तान बेन स्टोक और फिर टॉम हार्टले को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड टीम को बिखेर दिया और बुमराह ने 14 ओवर फेंक कर 42 रन देते हुए 5 विकेट झटके थे और साथ ही में उन्होंने 5 मेडन ओवर भी फेंका। बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी देखकर तो यही लग रहा है कि इंग्लैंड टीम आसानी से इस मैच में हार जाएगी। बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी को देखते हुए पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया, यहां तक कि भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बुमराह के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगे थे। इतना ही नहीं, उनका प्रदर्शन देखकर बुमराह की पत्नी संजना गणेशन की भी आंखें फटी की फटी रह गई और वो पूरी तरीके से दंग रह गई। इसके बाद उन्होंने बुमराह को लेकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं संजना गणेशन ने क्या कहा है। जी हां, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं उनकी अद्भुत गेंदबाजी देखकर काफी ज्यादा खुश हूं। आज उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और टीम के लिए अहम योगदान दिया। मैं उनकी यॉर्कर गेंद देखकर तो आश्चर्य में पड़ गई थी। मैं जितनी भी तारीफ करूं, आज अपने पति के लिए वो कम है। टीम इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना बेहद जरूरी है, साथ ही उनका फॉर्म में भी आना काफी जरूरी था और अब मुझे लगता है कि टीम इंडिया को कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि उन्होंने अकेले ही इंग्लैंड के एक नहीं, दो नहीं बल्कि आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऐसा करना किसी गेंदबाज के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने आखिर फिर बता दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कहा जाता है। मुझे उन पर गर्व है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ। वेल डन बुमराह। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने अपने पति की तारीफ करते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, बुमराह, अश्विन और कुलदीप में कौन दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। पहले यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक ने पलटा मैच का रुख और फिर बुमराह और कुलदीप यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को घुटने टेकने पर किया मजबूर। दूसरे दिन ही पूरी टीम इंडिया के सामने हुई नतमस्तक। तो आखिर कैसे टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच को केवल 3 दिनों में ही खत्म करने की कर ली है पूरी तैयारी? कैसे भारत की गेंदबाजी के आगे बिखर गई इंग्लैंड की टीम? किस गेंदबाज ने लिए हैं सबसे अधिक विकेट और कितना हो गया है इंग्लैंड टीम का स्कोर? कितने रनों की लीड मिली है भारत को? यह सब कुछ हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जायसवाल या फिर जसप्रीत बुमराह में इस मैच के रियल हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म होने तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 336 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल 179 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका साथ अश्विन 5 रन बनाकर दे रहे थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और एक बार फिर जायसवाल और अश्विन मैदान में उतरे। टीम की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए शोएब बशीर की पहली गेंद पर जायसवाल ने करारा शॉट लगाकर 1 रन लिया और स्कोर को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद दूसरी ही गेंद पर अश्विन ने बशीर को शानदार चौका जड़ दिया और दोनों बल्लेबाज एक बार फिर आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे। भारतीय टीम के दूसरे दिन की पारी की शुरुआत बेहद शानदार थी और दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को दूसरे दिन भी तेजी से रन को आगे बढ़ा रहे थे। जायसवाल और अश्विन बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के लिए 101वां ओवर फेंकने आए एंडरसन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका लग गया, लेकिन यह यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल में शोएब बशीर की लगातार 2 गेंद पर पहले तो उन्होंने छक्का जड़ा और फिर चौका जड़कर अपना तूफानी शतक जड़ दिया। दोहरा शतक लगाने के बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। एंडर्स
ऑन की गेंद पर एक 209 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस पारी में उन्होंने 19 चौके, 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से लुढ़क गई। बुमराह से लेकर मुकेश कुमार बहुत जल्द पवेलियन लौट गए और इंडिया की पूरी टीम 396 रनों पर 112 ओवर में ऑल आउट हो गई। भारत द्वारा दिए गए ट्रायल का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ओपनिंग करने मैदान पर जैक क्रॉली के साथ बैंडे कहते उतरे। वहीं पहले ओवर में आई जसप्रीत बुमराह ने मैडन ओवर फेंक दिया। भारतीय गेंदबाज भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज कहां पीछे हटने वाले थे। अगला ओवर फेंकना है मुकेश कुमार के ओवर में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 10 रन बटोर लिए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लंच ब्रेक तक अपनी टीम को 6 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन लंच ब्रेक के आने के बाद ये दोनों जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। 11वां ओवर लेकर कुलदीप यादव ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर बैंडे कैद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 59 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। अब मैदान पर पहले मैच के हीरो रहे ओली पॉप क्रोली का साथ देने के लिए आ गए। वही दोनों बल्लेबाज मैदान पर T20 के अंदाज में खेल रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों को बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते देखते ओली ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। कप्तान रोहित विकेट की तलाश में लगातार गेंदबाजों से ओवर फेंकवा रहे थे, तभी रोहित शर्मा ने 23वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल के हाथों में गेंद थमाई। उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर जॉक क्रॉली का पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा विकेट 118 रनों के स्कोर पर मिल गया और मैदान पर ओली पॉप का साथ देने जो रूट आ गए। लेकिन रूट के आने के बाद पॉप भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 28वां ओवर लेकर आए बुमराह ने अपने ओवर की 5वीं गेंद इतनी खतरनाक फेंकी कि ओली पॉप समझ नहीं पाए और उनके चारों खाने चित्त हो गए। भारतीय टीम को चौथा विकेट 136 रनों के स्कोर पर मिल गया। दूसरे सेशन में भी टीम इंडिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रही थी और टी ब्रेक तक इंग्लैंड की टीम ने 33 ओवर में 155 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए। जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर रहे थे। टी ब्रेक के बाद ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और एक लंबी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन 36वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी कातिलाना अंदाज में ओवर की चौथी गेंद पर दिखा दिया और जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड के आधे बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। एक तरफ से कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने बेन फॉक्स आए, लेकिन फॉक्स भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। कुलदीप यादव ने 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को केवल 172 रनों के मैदान पर भेज दिया। इसके बाद भी कुलदीप यादव नहीं रुके और मैदान में 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर रेहान अहमद को भी चलता कर दिया। इंग्लैंड की टीम बिखरती हुई नजर आने लगी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी हो गए थे। अभी इंग्लैंड की टीम 214 रनों से पीछे चल रही थी। स्टोक्स और टॉम हार्टली बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज खतरनाक अंदाज में आक्रमण कर रहे थे। इंग्लैंड की टीम ने 45 ओवर में 196 रन बना लिए और टीम के कप्तान बेन स्टोक्स 25 रन बनाकर मैदान में खड़े थे। वहीं टॉम हार्टली 3 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी जारी रही। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम अभी भी भारत के लक्ष्य से काफी पीछे थी। देखकर यही लग रहा था कि मैच भारतीय टीम तीसरे दिन ही जीत जाएगी, लेकिन अब आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह या फिर यशस्वी जायसवाल में कौन है इस मैच का रियल हीरो? दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने विशाखापट्टनम टेस्ट के दूसरे दिन सनसनी मचा दी है। उन्होंने 150 किलोमीटर की घातक रफ्तार से एक ऐसी यॉर्कर डाली जिसने ओली पॉप के तीनों विकेटों को जड़ से उखाड़ फेंका। उनकी यह ड्रीम डिलीवरी देखकर करोड़ों फैंस से लेकर रोहित की पत्नी रितिका के भी होश उड़ गए और अब बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी से लेकर रोहित के मास्टर प्लान पर रोशनी डालते हुए रितिका ने जो कुछ भी कह डाला उनकी बातें इस वक्त सोशल मीडिया में सुनामी ला रही हैं। तो आखिर क्यों बुमराह के एक विकेट का सारा क्रेडिट रितिका ने रोहित को दे दिया? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने, उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह, अश्विन और कुलदीप में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर जसप्रीत बुमराह को किसी भी टीम का ब्रह्मास्त्र कहा जाए तो इसमें जरा भी बड़बोलापन नहीं होगा।